हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ कि आप लोग किस प्रकार से इंडियन बैंक में चेक जमा करने का फॉर्म भर सकते हो। दोस्तों, मैं आप लोगों को पूरी डिटेल से वीडियो में इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, और इसी के साथ मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ जो चेक है वो कितना दिन में क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि ऐसी बैंकिंग संबंधी जानकारी आप लोगों को मिल सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं, जब भी आप लोग इंडियन बैंक में चेक जमा करने का फॉर्म भरोगे उसे काले या फिर नीले रंग के पेन से आप लोग को भरना है, कोई दूसरा रंग का पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। पॉइंट नंबर दो दोस्तों, इस फॉर्म को भरने के साथ ही साथ मैं आप लोगों को अन्य जानकारी देने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि जो आप लोग का ये फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो और आप लोगों को डिटेल से जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास में SBI बैंक का चेक है। हो सकता है दोस्तों आप लोगों के पास में इंडियन बैंक का चेक हो या फिर कोई दूसरे बैंक का चेक हो। मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप लोगों को उस चेक को अपने बैंक में जमा करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है ब्रांच शाखा पर। यहाँ पर आप लोगों को अपना ब्रांच का शाखा का नाम लिखना होगा जहाँ पर आप लोगों ने अपना अकाउंट ओपन किया है। उसके बाद में इसी के नीचे डेट लिख देना है, तारीख लिख देना है जिस दिन आप लोग इस फॉर्म को भरोगे उस दिन का। डेट तारीख लिख लेने के बाद यहाँ पर आप लोगों को अपना अकाउंट नंबर खाता संख्या लिख देना है। उसके बाद इसी के नीचे आप लोगों को अपना नाम लिखना है। दोस्तों ध्यान रहे, आप लोगों को वही नाम लिखना है जो चेक में दिया गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आपका यहाँ पर नाम दिया गया है चेक में, वही नाम आप लोग यहाँ पर लिखें। इसी के नीचे आप लोगों को कॉन्टेक्ट नंबर मोबाइल नंबर लिख देना है। उसके बाद में दोस्तों आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो अमाउंट। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को पैसा लिखना है, अमाउंट लिखना है जितना रुपए का चेक आप लोगों को दिया गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मुझे 20,000 रुपए का चेक दिया गया है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर 20,000 रुपए लिखूंगा और सेम इसी को ही वर्ड्स में शब्दों में मैं यहाँ लिख दूंगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो शब्दों में वर्ड्स में लिखा हुआ है, इसी को ही देख के आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। पैसा लिख लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है इस बॉक्स पर। दोस्तों अब इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को अपना चेक नंबर लिखना है और यहाँ पर टोटल अमाउंट लिखना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं चेक में चेक नंबर कहाँ पर होता है। बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जो कमेंट करके पूछते हैं, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं चेक के नीचे ही चेक नंबर होता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो यही है दोस्तों चेक नंबर, इसी को ही देख के दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। चेक नंबर लिख लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पर टोटल अमाउंट लिख देना है, पैसा लिख देना है जितना रुपए का आप लोगों को चेक दिया गया है। इस पार्ट को भर लेने के बाद दोस्तों आप लोगों को इस पार्ट पर आ जाना है। दोबारा से आप लोगों को डेट लिखना होगा, तारीख लिखना होगा जिस दिन आप लोग इस फॉर्म को भरोगे उस दिन का। उसके बाद में आप लोग पढ़ सकते हो शाखा ब्रांच का नाम लिखने के लिए कहा गया है। दोबारा से आप लोगों को अपना शाखा ब्रांच का नाम लिख देना है। इसी के नीचे आप लोगों को अपना अकाउंट नंबर खाता संख्या लिख देना है। अकाउंट नंबर लिख लेने के बाद आप लोग यहां पढ़ सकते हो नाम लिखने के लिए आप लोगों को कहा गया है, आप लोगों को अपना नाम लिख देना है और दोबारा से आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर लिख देना है। अगर आप लोगों के पास ईमेल आईडी है तो आप लोग अपना ईमेल आईडी यहाँ लिख सकते हो, नहीं है तो आप लोगों को इस लाइन को वैसे ही छोड़ देना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है। आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो रुपीज इन वर्ड्स। दोबारा से आप लोगों को जो पैसा है आप लोग बैंक में चेक के माध्यम से जमा करने वाले हो उसे लिखना होगा वर्ड्स में शब्दों में। पैसा लिख लेने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है इस बॉक्स पर। अब दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग यहाँ पर गलत जानकारी भर देते हो तो हो सकता है आप लोगों का जो ये फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को चेक नंबर लिखना है। जो आप लोगों ने यहाँ पर चेक नंबर लिखा हुआ है सेम चेक नंबर आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। इसी के नीचे आप लोगों को डेट लिखना है, तारीख लिखना है। दोस्तों ध्यान रखना है यहाँ पर आप लोगों को जो डेट लिखोगे वो चेक का लिखोगे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो चेक में डेट तारीख है वही डेट तारीख आप लोग यहाँ पर लिखें। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों जो चेक है वो कौन सा बैंक का है, तो जो भी बैंक का हो आप लोगों को उस बैंक का नाम लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ पर SBI बैंक लिखा हुआ है क्योंकि ये SBI बैंक का चेक है इस वजह से। और इसी के नीचे दोस्तों आप लोगों को ब्रांच लिख देना है कि चेक में कौन सा ब्रांच लिखा हुआ है। आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ब्रांच, यहीं पर ही ब्रांच का नाम देखकर आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पर अंतिम में दोस्तों आप लोगों को नंबर में अंकों में टोटल अमाउंट पैसा लिख देना है।
पैसा लिख लेने के बाद आप लोगों को नीचे आ जाना है। यहाँ पर आप लोग यहाँ पढ़ सकते हो जमाकर्ता के हस्ताक्षर। यहाँ पर आप लोगों को अपना साइन करना होगा, हस्ताक्षर करना होगा। दोस्तों ध्यान रहे, जो भी बैंक में चेक जमा करने के लिए जाएंगे उन्हें यहाँ पर साइन करना होगा, सिग्नेचर करना होगा, चाहे उनका बैंक में अकाउंट हो या ना हो। बस दोस्तों आप लोगों को इस फॉर्म में इतना ही भरना है। अब दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों आप लोग यहां पर देख सकते हो, यहां पर लिखा हुआ है पेन नंबर या फॉर्म 60। दोस्तों ध्यान रहे, अगर आप लोग 50,000 या 50,000 से अधिक पैसा अपने बैंक में डिपॉजिट करते हो तो आप लोगों को यहां पर अपना पेन नंबर लिखना होगा। अगर पेन नंबर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोगों को फॉर्म नंबर 60 भरना होगा। पॉइंट नंबर दो दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को जो डेट डालना है, जिस दिन आप लोग बैंक में इस फॉर्म को जमा करोगे उस दिन का आप लोगों को यहाँ पर डेट लिख देना है, तारीख लिख देना है। और बहुत सारे ऐसे व्यूअर है जो कमेंट करके पूछते हैं कि जो चेक का पैसा है वो हमारे अकाउंट में कितना दिनों में ट्रांसफर कर दिया जाता है, डिपॉजिट कर दिया जाता है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, लगभग 2 से 3 दिनों का समय लगता है जो चेक का पैसा है आप लोगों के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाता है। और ये दोस्तों आप लोगों के बैंक के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो कितना समय लेते हैं। और दोस्तों ध्यान रहे, जब भी आप लोग बैंक जाओगे इस चेक और इस फॉर्म को जमा करने के लिए, तो चेक के पीछे आप लोगों को अपना नाम लिख देना है, कॉन्टेक्ट नंबर और अकाउंट नंबर लिखना ना भूले, और उसके बाद में इन दोनों बैंक में जाकर जमा कर देना है। तो दोस्तों अगर आप लोगों के पास इस फॉर्म से संबंधित या बैंकिंग संबंधित कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।